न्यू के लिए क्या है फिर, वो कहाँ से इसको? न्यू के लिए मैंने बहुत सारे तरीके, जैसे इसमें अभी ईमेल मार्केटिंग का मैंने आपको बताया है, इसके लिए आपको ना फीडबैक चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम नो जीरो, और अभी से ही आप जाके ईमेल करें। इसमें ये तरीका है ना, देखिए मैंने आपको कहा कि बिजनेसेस को टारगेट करें, जो नई वेबसाइट्स हैं उनको लें, उनकी ईमेल निकालें, 10 लोगों को सेंड करें, रिस्पॉन्स नहीं आया 20 को सेंड करें, फिर हर रोज 10-20 को, 10-20 को आप सेंड कर रहे हो, एक भी रिस्पॉन्स आ गया ना, तो बाज़ अवकात ऐसा होता है कि एक ही कस्टमर आपकी पूरी कंपनी को रन कर देता है। ठीक है, ऐसे ऐसे भी कस्टमर होते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि जब आप एक बंदे की वेबसाइट को मैनेज करेंगे, फॉर एग्जांपल आप उसको एसईओ की सर्विस देते हैं, वो बंदा आपके पास आ गया है, आप एक ही वेबसाइट को एसईओ की सर्विस कितने ही साल तक दे सकते हैं, क्योंकि एसईओ की सर्विस जो है वो ऑन गोइंग है। फिर उसमें अपसेलिंग होता है, हम ये नहीं ज़्यादा करते, इसको मैंने आगे डिस्कस करना था, लेकिन खैर यहाँ पे एक क्लाइंट भी आपके पास आ गया है ना, आप उसे कहें कि फॉर एग्जांपल वो आपको वेब वेब डेवलपमेंट के लिए आया है, वेब डेवलपमेंट उसने आपसे करवाई है, या वेब डेवलपमेंट के अंदर मिस्टेक्स उसने की हैं, वो आपने उसको फिक्स करके दी हैं, आपने क्या करना है, आपने उसको कहना है कि आपके जो सोशल मीडियाज़ हैं वो मैंने देखे हैं, उस पर तो कोई पोस्ट नहीं होती, उसके ग्राफिक अच्छे नहीं हैं, क्या मैं उसके ग्राफिक भी सही कर सकता हूँ, अगर उसके आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल लुक मिलेगी, इस तरह आप अपसेलिंग कर सकते हो। और ये हो सकता है कि आप कहें कि मैं जो है वो मार्केटिंग की भी सर्विसेज देता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया था $10 का, सिर्फ उसने वेबसाइट ऑडिट करवानी थी, ऑडिट यानी उसने कहा था कि मेरी वेबसाइट को देखो, देख के बताओ कि ये इसकी एसईओ की कंडीशन कैसी है, $10 का उसने मुझे ऑर्डर किया, मैंने उसको ऑडिट करके दिया, जस्ट एंड पे मैंने ये लिख दिया कि अगर आपको एसईओ की सर्विसेज चाहिए तो कॉन्टैक्ट में, उसने वो ऑर्डर कंप्लीट किया और उसने नीचे से वो जुमला पढ़ा कि हाँ इसको एसईओ की सर्विसेज भी ये दे सकता है, उसको मैंने रिमाइंडर दिया ना कि इसको हायर भी मुझे कर सकते हो, उस बंदे की जो टोटल स्पेंडिंग थी, कल मेरी उसके साथ लास्ट मीटिंग थी, $30,000 उसने स्पेंड किया था, आप अंदाज़ा कर लो $10 से अप सेलिंग, $30,000 कितना बनता है टोटल, अभी 60 लाख के करीब ऑलमोस्ट, ऐसे ही है ना, इतनी बनता है आजकल के रेट को, तो अपसेलिंग भी यूज़ कर सकते हो, जस्ट एक क्लाइंट आपने लेना है, उसको आप ऑनगोइंग बेसिस पे अपने साथ अटैच कर सकते हो, इज दैट क्लियर।